अगर मैं 2025 में बात करूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक कार्स का एक ऐसा जमाना आ रहा है आज के समय में इंडिया में, जिसे देख के बहुत एक्साइटिंग लगता है। क्योंकि मैं गया था ऑटो एक्सपो में और इस साल का ऑटो एक्सपो ऐसा था कि हर कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को निकाल रखा है, चाहे टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, अरे कार ही क्यों ना हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, टू व्हीलर्स हो, बाइक्स हो, सबके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक पावर्ड व्हीकल्स आपको देखने को मिल रहे थे। और एक बात मैं आपको बता सकता हूं कि 2025 से फोर व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर भी एक बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिवॉल्यूशन यहां पर आ रहा है। जहां पर देखा तो हर बड़ी बड़ी कंपनी जिन्होंने अभी तक अपने इलेक्ट्रिक कार्स नहीं निकाली थी वो भी निकाल रहे हैं। इवन देखा है तो जो कंपनी हाइब्रिड व्हीकल्स भी निकालती थी वो भी अब हटके सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स के पीछे ही जा रही है। एग्जाम्पल बात करूं मारुति की, बात करें आज तक इलेक्ट्रिक कार नहीं निकाली थी लेकिन अब उन्होंने अपनी ई विटारा को यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया। और मारुति की बात इसलिए क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव प्लेयर हो जाता है फोर व्हीलर सेगमेंट के अंदर, सबसे ज्यादा कार्स आज के समय में मारुति की बिकती है और उसमें से भी एक बड़ा चंक ऐसा जो हाइब्रिड व्हीकल्स से। लेकिन उन्हें भी पता है कि धीरे धीरे उनकी मोनोपोली कम हो रही है और उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से उतरना पड़ा। और यही चीज मैंने यहां पर देखी मारुति के साथ उनकी नई ई विटारा में। e-Vitara देखा जाए तो लेवल 2 एडास के साथ आती है, 49 किलोवाट आवर का मॉडल है, 61 किलोवाट आवर का भी मॉडल है और क्लेम किया जा रहा है कि इसके टॉप एंड मॉडल में इसकी रेंज आपको 500 किलोमीटर मिलेगी। हालांकि कीमत थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है 17 लाख से लेके 22 लाख रुपए तक। यहां पे देखा जाए तो फायदा है कि आपको गारंटीड 500 किलोमीटर की रेंज आपको देखने को मिलेगी, जो देख के सरप्राइजिंग लगता है। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो प्रॉब्लम बताऊं क्या थी, जितनी भी कंपनीज आपको देखने को मिलती है ना कार मेकर, उनके ज्यादातर की जो रेंजेस थी ना वो 400 किलोमीटर के आसपास, लेकिन 500 एक ऐसी चीज है जिसे कंपनीज अब धीरे धीरे अचीव कर रही है और अपने लॉन्ग रेंज बैटरी पैक्स जब डाल रही हैं और कीमत लगभग 20 लाख रुपए के आसपास कर रही है तो लोगों में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि इस टाइप के व्हीकल जाकर, क्योंकि 500 किलोमीटर के एरिया के अंदर लोगों को गारंटीड एक ना एक तो चार्जिंग पॉइंट तो देखने को मिल ही जाएगा। इसके साथ ही मारुति ये भी कोशिश कर रही है कि सीमलेस चार्जिंग को लेकर आया जाए कि जहां जहां पे मारुति की रीच है वहां पे आपको फास्ट चार्जिंग नेटवर्क प्रोवाइड किया जा सके। इसके साथ ही मारुति अपनी पुरानी जो सर्विस कैरी कर रहा है उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके आपको बेटर क्वालिटी की सर्विस दे, यानी कि मारुति के लिए भी चीजें नहीं है लेकिन हाँ एक प्रीमियम कैटेगरी का व्हीकल यहाँ पर बना पाना और उसे मास स्केल पे ले जाना ये एक काफी बड़ा चीज करी है। देखते आने वाले कुछ साल मारुति जैसी कंपनी के लिए काफी एक्साइटिंग होंगे। और इवन एक बात बता सकता हूँ कि मारुति की ई विटारा तो मैंने देखी लेकिन हाँ यहाँ पे टोयोटा की एक अर्बन बीईवी नाम था, यानी कि बॉर्न इलेक्ट्रिक कार थी। और उसकी भी खास बात ये थी कि जो टोयोटा की कार है वही एग्जैक्ट ई विटारा है और जो ई विटारा है वही टोयोटा की कार है। और एक अच्छी बात है कि मारुति और टोयोटा ने यहाँ पर कम से कम ये काम किया है कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म एक सेपरेट डिजाइन किया है, ऐसा नहीं किया कि एग्जिस्टिंग पेट्रोल कार को लिया, इंजन को हटा के मोटर लगा दी, पेट्रोल टैंक हटा के बैटरी लगा दी, ऐसा नहीं है, ग्राउंड अप से उन्होंने यहाँ पे काम किया तो वो एक चीज यहाँ पे अच्छी लगी। इसके साथ जो अगली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में वो है यहाँ पे Hyundai। और Hyundai की बात इधर ये है कि यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा प्रीमियम कार्स बना रहे थे जिनकी कीमत 25 लाख के ऊपर थी इलेक्ट्रिक के अंदर, लेकिन उनकी मार्केट में सबसे पॉपुलर कार क्रेटा है और क्रेटा का ईवी वर्जन यहाँ पर लेकर आना बहुत ही स्मार्ट मूव था। तकरीबन 17-18 लाख से लेकर 20-22 लाख तक किसी कीमत जाती है, एक 42 किलोवाट आवर और एक 51 किलोवाट आवर। और हाँ जो 50 किलोवाट आवर के ऊपर के बैटरी पैक्स होंगे वो यहाँ पे लगभग 450 से 500 दे सकते हैं और 42 किलोवाट आवर लगभग 400 किलोमीटर की रेंज यहाँ पे प्रॉमिस करेगा, अराउंड 390 किलोमीटर। तो देखा तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। और इतना ही नहीं कि जो इलेक्ट्रिक कार साथ ही उनके साथ बेनिफिट है कि उनके अंदर तमाम फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, चाहे आपको एडास की बात करें वो, या बड़ी सी टच स्क्रीन की बात करें या फिर ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स के बारे में बात करें, जिस वजह से ये चीज यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाती है। और ऑब्वियसली Hyundai के अंदर जो क्रेटा की जो ब्रांडिंग है ना वो यहाँ पे इसका काफी ज्यादा बेनिफिट उठाने वाली है। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, मारुति और Hyundai दोनों ने एक नई शुरुआत यहाँ पर करी है लेकिन हाँ क्रेटा ईवी से भी एक शुरुआत रहेगी। यहाँ पे नए नए मॉडल्स भी आएंगे और नई नई कार्स भी आएंगी फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिक पावर्ड होंगी। और मारुति का भी एक पार्ट ये है कि धीरे धीरे अपने बाकी पोर्टफोलियो के अंदर भी, बाकी अलग अलग सेगमेंट के अंदर भी कूदेगा और 15 लाख रुपए के नीचे भी और सस्ती रेंज में भी ये लोग अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पर लेकर आएंगे, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने वाली। खैर ये दोनों बाहर की कंपनीज थी, लेकिन अब मैं बात करता हूँ अपने इंडियन कंपनीज की, जैसे कि बात करते हैं महिंद्रा की। महिंद्रा
इन्विटारा ने पिछले कुछ महीने पहले यहाँ पे अपनी कार शोकेस करी थी, BE6 और XEV9E। अब देखा तो दोनों ही कमाल की कार्स थी, देख के बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगते, और इनकी खास बात ये थी बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर, यानी कि इनको ग्राउंड अप से तैयार किया है इलेक्ट्रिक गाड़ी के प्लेटफॉर्म पे, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी बनानी, यहाँ पे पेट्रोल डीजल का कोई रोल नहीं रहेगा, और ये सोच के इन्होंने इस कार को यहाँ पे डेवलप किया। अच्छी बात है कि 600 किलोमीटर की भी रेंज दे रही है, ढेर सारे फीचर दे रहे हैं, एडास दे रहे हैं, क्वालकॉम की चिप इनके अंदर है, यहाँ तक की बात करें तो अपने आप के लुक एंड फील और जो फीचर्स है वो नेक्स्ट लेवल है। यहाँ तक कि इनकी जो बेस मॉडल की प्राइसिंग है वो भी काफी एक्साइटिंग रहती है। यहाँ तक की बात करें BE6 लगभग स्टार्ट होता है इसका 18.9 लाख से, जिसके अंदर आपको 59 किलोवाट आवर की बैटरी और रेंज भी 500 किलोमीटर के ऊपर है। और हाँ, जो उसके 600 किलोमीटर के ऊपर के रेंज वाले मॉडल होंगे अराउंड 682, उनकी कीमत 25-26 लाख तक जाती है। और XEV भी इनके एक प्रीमियम मॉडल है जिसकी कीमत ये लोगों ने लगभग 21 लाख से शुरू करी है, वो भी 550 किलोमीटर तक जा सकता है, और जो 650 किलोमीटर तक की रेंज में जा सकता है ना, उसकी कीमत लगभग 30 लाख तक जाती है। हालांकि महिंद्रा यहाँ पे थोड़े से प्रीमियम सेगमेंट में खेल रही है, लेकिन कुछ बातें हैं, वन ऑफ द सेफेस्ट कार बना रही है, मेड इन इंडिया डिजाइन कर रही है इन कार्स को, बैटरी पैक्स को भी यहाँ पे इंडिया में बना रही है, सेल ये लोग यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं BYD कंपनी का, क्योंकि देखा जाए तो चाइनीज कंपनीज की भी इंडियन मार्केट में एंट्री हो रही है और वो अफोर्डेबल सेगमेंट में काफी बेटर व्हीकल्स बना रहे हैं। जैसे की बात करें, एक आपकी कंपनी आती है MG, देखा जाए तो उसकी खास बात यहाँ पर ये निकली कि उसने अफोर्डेबल सेगमेंट से शुरुआत करी, कॉमेट निकाली, हाल ही में विंसर निकाली, और ये दो कार्स ऐसी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कार्स के मार्केट में ऑलरेडी ये लोग नंबर वन आ चुके हैं, और टाटा जैसी कंपनी को उन्होंने पीछे कर दिया, जबकि टाटा ने भी कई सारी कार्स निकाली, टाटा की टिगोर, टियागो ईवी आती है, इसके साथ ही टाटा की नई नेक्सॉन ईवी भी आती है, और यहाँ तक कि प्रीमियम में जाते हैं तो टाटा की कर्व ईवी भी देखने को मिलती है, जिसकी रेंज भी यहाँ पे कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। लेकिन हाँ, टाटा में यहाँ पे डिफरेंस है कि टाटा ने अभी तक जो प्लेटफॉर्म यूज करा है वो ऐसा है कि उसके अंदर आप पेट्रोल कार भी बना सकते हैं और उसके अंदर आप इलेक्ट्रिक कार बना सकते हैं, जो उनका प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार वाला प्लेटफॉर्म है वो अभी यहाँ पर आना बाकी है, और वो जब यहाँ पर आएगा तो एक बड़ा गेम चेंज हो सकता है। इसके साथ ही टाटा के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, लेकिन अब जब कंपटीशन यहाँ पे जब कैचअप कर रहा है तो टाटा की मोनोपोली को खतरा हो सकता है। एमजी के साथ बात है कि एमजी ने तो छोटे शहरों के लिए छोटी कार बनाई थी कॉमेट, जहाँ पे छोटी सी जगह पर आपको चलाना है, शहर में ज्यादा आपको चलाना नहीं है, दिन भर आपको 100-150 किलोमीटर से ऊपर जाना ही नहीं है ना, तो कॉमेट एक छोटी सी कार सही है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही उन्हें पता है कि लोगों को थोड़ी बड़ी कार, लग्जरियस स्पेस चाहिए, तो वो अपनी एमजी की विंसर ईवी लाए जो 330 किलोमीटर तक चलती है, और हाँ उसके साथ बैटरी एज अ सर्विस प्रोग्राम को भी लेकर आए, जिसके अंदर कार की अपफ्रंट कॉस्ट 10 लाख रुपए तक आ जाए, जिस कारण से लोग इस कार को अफोर्ड कर पाए, तो वो भी कंसेप्ट उन्होंने निकाला। इसके साथ ही 10-15 लाख की रेंज में वो भी एक काफी अच्छा प्रीमियम एक्सपीरियंस देती है, और किसी को अगर छोटी रेंज में चलाना है तो वो है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एमजी यहाँ पे मल्टीपल इलेक्ट्रिक कार्स को तो लाने वाली है, लेकिन अपने एक सेपरेट ब्रांड भी ओपन करने वाली है एमजी सेलेक्ट, जिसके अंदर अपनी प्रीमियम कार्स को निकालेगी, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार पहली बार लाने वाले, जिसका नाम एमजी साइबरस्टार होने वाला है, जिसको भी वो अफोर्डेबल प्राइसिंग में रखेंगे। और एक बात देखिए, जितनी भी जो नई कंपनीज आ रही है ना, ज्यादा एग्रेसिव इलेक्ट्रिक कार्स में ज्यादा रेंज भी प्रोवाइड करेंगे और ज्यादा एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, और MG उन कंपनीज में इससे एक हो रही है। इसके साथ ही देखा तो BYD जैसी कंपनी भी इंडिया में धीरे धीरे अपने पैर जमा रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वो एक प्रॉपर चाइनीज कंपनी है और उसको भी किसी इंडियन कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, तभी वो लंबा गेम खेल सकते हैं। हालांकि BYD की कार्स मैंने देखी है, ज्यादातर फीट वगैरह में चलती है, लेकिन सच बात यह कि उनकी कार के अंदर क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, इवन जो BYD की सील आती है काफी प्रीमियम है और टेस्ला लेवल का एक्सपीरियंस देती है। इवन ग्लोबली BYD ज्यादा कार बेचती है टेस्ला के कंपेरिजन में, और टेस्ला जैसी कंपनी जो ज्यादातर फीचर्स अपनी महंगी कार्स में लाती है, वो उससे आधे से भी कम रेट में अपनी कार्स में लाते हैं। अब पता नहीं BYD कैसे कर रही है, बाहर से इंपोर्ट करके ज्यादातर कार्स मंगवा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लगे हुए हैं। इवन उनकी कार के कई सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी मर्सिडीज और इन घर भी आते हैं। और हाँ, इसके साथ ही मैंने देखा है जो न्यू एज, जो नए इलेक्ट्रिक और ईवी ब्रांड्स आ रहे हैं ना, ज्यादा जल्दी से कैचअप करें। MG BYD एग्जांपल है, लेकिन एक और नई कंपनी मार्केट में एंट्री कर रही है, वो है VinFast। VinFast भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है, क्योंकि वो एक नया ब्रांड है, वियतनामीज ब्रांड है, और धीरे धीरे इस साल वो इंडिया में अपनी नई कार्स को शोकेस करेगा और प्रॉपरली इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर जा रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे एट द एंड यही है कि इंडिया के अंदर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी शायद इतना ज्यादा ग्रो नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है,
देखो पहले प्रॉब्लम क्या थी, चिकन और एग की प्रॉब्लम थी कि इलेक्ट्रिक कार्स नहीं है इसलिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स नहीं है। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है, धीरे धीरे चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और अब जो कार्स आ रही है वो फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेंगी और लंबी रोड ट्रिप पर भी जाना पॉसिबल होगा। ऊपर से 400, 500, 600, 700 किलोमीटर की रेंज भी यहाँ पर रियलिस्टिकली मिलने लगेगी। तो आपको इस टाइप की चिंता है नहीं कि 600, 700 किलोमीटर में आपको एक ना एक चार्जर तो देखने को मिल ही जाएगा जो आपकी गाड़ी को चार्ज कर देगा, और लोग एक दिन में शायद इतना ज्यादा ट्रेवल करने भी नहीं वाले। तो हाँ, ये एक ऐसे पॉइंट पर मारे जहाँ पे रेंज वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है, चार्जिंग की प्रॉब्लम भी। और हाँ, एक बात बता सकते हो, अब जो मेजर प्रॉब्लम बची वो बची है प्राइसिंग की। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि 10 लाख रुपए में 300-400 किलोमीटर की रेंज वाली कार आ पाएगी। देखो हाल फिलहाल तो ना आ पाए, लेकिन एक दो सालों में ये चीज पॉसिबल है। जैसे न्यू एज कंपनीज जो आ रही है ना, BYD, VinFast या MG, इनकी तरफ से कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। और यहाँ पे बैटरी का इनोवेशन जो लेकर आए थे चाइना के अंदर, अगर वैसा कुछ इनोवेशन यहाँ पे आता है तो हाँ 10-15 लाख रुपए के अंदर भी लोगों को बहुत ही सॉलिड ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, और देखते हैं तब जाके क्या रहता है। लेकिन हाँ, आपको एक बात बता सकता हूँ, 2025 से शुरुआत है और अब जो पूरा बाकी डेकेड होगा ना, आप देखना हर दूसरी कंपनी अपनी EVs के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेगी और उनको सस्ता में करने की कोशिश करेगी, सर्विस पे काम करेगी, और चार्जिंग पे तो हर कोई कंपनी काम करने वाली, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करने वाली है। तो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग जमाना होने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अब बस देखने वाली बात इधर ये कि टेस्ला जैसी कंपनी अब इंडिया में आती है कि नहीं, क्योंकि ऑफिशियली रूप से तो टेस्ला की एंट्री तो नहीं हुई है, बस वही एक कंपनी यहाँ पर बची हुई है। बाय द वे, आप लोग के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंटरेस्टेड हो और क्या आपका ओपिनियन है, जरूर से बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।